नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 19 मई 2022 को जनपद अयोध्या के थाना कैंट हसन कटरा चौकी के अंतर्गत बेगमगंज गड़ैया की रहने वाली 3 छात्राएं स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंच सकी। परिवार वालों ने खोजबीन शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। तब परिवार वालों ने गुरुवार को कैंट थाने में तहरीर दी। उचित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे के निर्देश तथा पुलिस अधीक्षक नगर श्री विजय पाल सिंह के सर्वेक्षण में एएसपी क्षेत्राधिकारी नगर श्री पलाश बंसल के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह के साथ 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा 36 घंटे के अंदर 21 मई 2022 समय 12:30 पर तीनों बालिकाओं को अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया। बरामद करने के बाद अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही। बरामद करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह, उपनिरीक्षक अभिषेक त्रिपाठी, उपनिरीक्षक हरिकेश कुमार कांस्टेबल शैलेश सिंह, कांस्टेबल लोकेश कुमार, महिला कांस्टेबल रानू यादव, महिला कांस्टेबल मोहिनी मिश्रा मौजूद रहे। 3 युवतियां जो यहां थाना कैंट क्षेत्र से जो है गायब हुई थी, उनके तलाश के लिए पुलिस टीम लगी हुई थी। वो लड़कियां सभी जो है वापस मिल आ गई हैं, वापस मिल गई हैं। वो स्वेच्छा से गई थी और जो है स्वेच्छा से गई थी और वो जो है आ गई हैं। अभियोग चूँकि पंजीकृत था, लेकिन उनसे उनका बयान ले करके और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है कि और चूँकि स्वयं गई थी, स्वयं स्वेच्छा से आई है, इसलिए किसी अपराध का घटित होना नहीं पाया जाए। ऐसा है कि ये दिल्ली गई थी और दिल्ली से आई, सूचना पर उसमें पुलिस परिजनों के साथ में रेलवे स्टेशन से उनकी बरामद की। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।